हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने ज़र्दा राइस की रेसिपी लेके आई हूँ। इस ज़र्दा राइस को हम बनाएंगे कुकर में, बहुत ही झटपट बनके रेडी हो जाएगी ये। काफ़ी लोग इसको बॉईल करते हैं फिर बनाते हैं, लेकिन आज हम इनको कुकर में बनाएंगे बिल्कुल खिले खिले, एक एक और बहुत ही मज़ेदार। ये ज़र्दा राइस बसंत पंचमी के दिन बनाए जाते हैं और सभी को पसंद आते हैं और सभी इनको बसंत पंचमी के दिन काफ़ी खाते हैं और बनाते भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन ज़र्दा राइस को बनाना। तो यहाँ पे देखिए, ये हमने ले लिए हैं राइस, यहाँ पे मैं राइस ले रही हूँ। इनको हम भिगोएंगे आधे घंटे के लिए, फिर उसके बाद हम बनाएंगे ज़र्दा राइस। तो जब भी आप ज़र्दा राइस बनाएं, इनको आधे घंटे पहले भिगो के रख दें। ये हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे चावल को, और पानी डाल के इनको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद हम इनको बनाएंगे। इसको ढक के रख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आधा घंटा हो चुका है, अब हम बनाते हैं इनको। हम राइस को अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे दो तीन बार। यहाँ पे हमने रख लिया है कुकर। कुकर के बाद जब कुकर गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे घी। दोस्तों, इसमें घी ही डालिएगा, घी से ज़र्दा राइस का जो टेस्ट है काफ़ी बढ़िया आएगा। हालांकि आप इसमें रिफाइंड डाल सकते हैं, रिफाइंड के भी बना सकते हैं, लेकिन घी से जो टेस्ट आएगा वो काफ़ी बढ़िया लगेगा। इसमें मैंने डाल दी हैं चार लौंगें और इलायची, खड़ी इलायची डाली है इसमें मैंने घी में। तो इसमें लौंग और इलायची डाल दें। फिर इसमें मैं डालूँगी बादाम जो कट कर लिए थे मैंने। बादाम डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे काजू। फिर इसको हम थोड़ा सा चला लेंगे, गैस की फ्लेम को हम कमी रखेंगे। और फिर इसके बाद हम डालेंगे नारियल जो मैंने कट करके रखा हुआ था, इसको डाल देंगे। इसको भी हम थोड़ा सा चला लेंगे। मैं रेनू आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रेनू द किचन चैनल पर। और अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्यों आप सभी को मेरे चैनल पे अच्छी रेसिपियाँ देखने को मिलेंगी। और बेल आइकन बटन क्लिक करना ना भूलिएगा। अब इसमें हम डाल देंगे एक कप दूध। जब हमारे ये ड्राई फ्रूट्स थोड़ा भुन जाएंगे, उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक कप दूध। दूध डालने के बाद हम इसको थोड़ा सा बॉयल आने देंगे दूध में। तो यहाँ पर देखिए, ये दूध में अच्छी तरीके से बॉयल आ जाएगा। तब इसमें हम डालेंगे शुगर। शुगर मैंने यहाँ एक कटोरी डाली है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, और इसमें भी अच्छा सा बॉईल आने देंगे। काफ़ी बढ़िया लगते हैं ये मीठे चावल, इनको बसंत पंचमी में काफ़ी लोग बाग बनाते हैं। अब जो ये राइस है मैंने डाल दिया है इसमें, और फिर इसके बाद हम डालेंगे पानी। हमने लिए है जैसे कि आप एक गिलास चावल ले रहे हैं, तो इसमें डालिएगा डेढ़ गिलास पानी, जिससे हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसमें हम डालेंगे कुछ कुछ चावलों का भी वो होता है, जो कुछ चावल ज़्यादा पानी लेते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कम पानी लेते हैं। इसमें मैंने डाल दिया है फ्रूट कलर, पानी में मिला लिया था मैंने, फिर इसको फ्रूट कलर को मिला लिया था पानी में, और इसमें डाल दिया है। इसको हम ढक्कन लगा के एक सीटी ले लेंगे। इसको एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब ढक्कन लगा के इसको एक सीटी आने देंगे। पहले हम इसमें बॉईल ले लेंगे, जब बॉईल आ जाएगा तब इसमें हम ढक्कन लगा देंगे, बस एक सीटी आने देंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक सीटी आ चुकी है। तो ये देखिए, हमारे चावल रेडी हैं। तो ये देखिए, देखने में ही कितने बढ़िया चावल लग रहे हैं, बिल्कुल एक एक बने हैं, खिले खिले हमारे ज़र्दा राइस बनके रेडी हुए हैं। बहुत ही फटाफट बन गए हैं, कोई झंझट नहीं है। ये देखिए, देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो देखिए, इनको मैं आपको एक बार और अच्छी तरीके से दिखाती हूँ। ये देखिए, चलाने पे ये कितने बढ़िया हमारे ज़र्दा राइस बनके रेडी हुए हैं। काफ़ी बढ़िया इनमें से खुशबू आ रही है,
तो एक बार इसको आप इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। इनको हम सर्व करते हैं, तो ये देख लीजिए हमारे जर्दा राइस बनके रेडी हो चुके हैं। इनको मीठे चावल भी कहा जाता है। ये बसंत पंचमी में काफ़ी घरों में बनते हैं, काफ़ी क्या मेरे ख्याल से सभी घरों में बनते होंगे। तो ये देखिए हमारे बढ़िया से जर्दा राइस बनके रेडी हैं। दोस्तों अगर आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सभी को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलती हूँ आप सभी से मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।